हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज़ डॉक्टर छविकर। आज मैं आपको जो बीएड का एक सब्जेक्ट है, समकालीन भारत एवं शिक्षा, उसका एक टॉपिक है बौद्धिक काल में शिक्षा, तो उस पर मैं आपको लेक्चर लेने वाली हूँ। अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पूरा बताया था वैदिक कालीन शिक्षा की क्या विशेषताएँ हैं और उनका क्या मूल्यांकन है, क्या आदर्श है। तो आज मैं नेक्स्ट टॉपिक ले रही हूँ कि बौद्धिक काल में जो थी शिक्षा की क्या विशेषताएं थी। तो आज मैं डिस्कस करूँगी कि बौद्ध काल में शिक्षा की क्या मीनिंग था और इस शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं। तो आप सुनिएगा, आप देखेंगे, आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में सुनने को मिलेगा और आपको सुनते सुनते ही ये बिल्कुल याद हो जाएगा। तो देखिए, बौद्ध काल से पहले क्या था? वैदिक काल था। वैदिक काल में शिक्षा क्या थी? धर्म प्रधान थी। वहाँ पे शिक्षा का आदर्श था कि धर्म की प्राप्ति करते हुए हमें मोक्ष को प्राप्त करना है। तो धर्म प्रधान होने की वजह से धीरे धीरे उस शिक्षा में क्या हुआ, धार्मिक आडंबर बहुत आ गए, धार्मिक कुरीतियाँ बहुत आ गई, अंधविश्वास बहुत बढ़ गए। तो इसलिए ब्राह्मण क्या करने लगे, आम जनता पे बहुत धार्मिक अत्याचार करने लगे। जो धर्म के हिसाब से नहीं चलता था उनके पास जो अत्याचार करने लगे और उनको बहुत ज़्यादा शूद्र समझने लगे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ही उस वक्त भगवान बुद्ध ने एक नया धर्म चलाया जिसे बौद्ध धर्म कहते हैं। उन्होंने अपने धर्म में शिक्षा दी कि मनुष्य को सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए, अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए और प्रेम का मार्ग अपनाना चाहिए। महात्मा बुद्ध के बौद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा वो सच्चा ज्ञान है। ठीक है, कौन सा सच्चा ज्ञान है? वो सच्चा ज्ञान है जो मनुष्य के दुखों को दूर करके उनको निर्वाण प्रदान करती है। इस शिक्षा के अनुसार जो भी मनुष्य हैं, सबके दुखों का कारण जो है अज्ञान है, अशिक्षा है, और ज्ञान ही उस अज्ञान को दूर करने का साधन है। इस तरीके से बौद्धिक धर्म के अनुसार शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या हुआ, मनुष्य के दुखों का दूर करना, और मनुष्य के दुखों का कारण होता है अज्ञान, किसी चीज़ को ना जानना, अशिक्षा का अंधेरा। और शिक्षा उस अशिक्षा अज्ञान के अंधेरे को दूर कर देती है और शिक्षा का प्रसार करती है। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने शिक्षा देने के लिए एक अष्टांग मार्ग भी चलाया था। तो बौद्ध धर्म के अनुसार आपको शिक्षा का मीनिंग अब जो है क्लियर हो गया। अब ये जो शिक्षा थी प्राचीन काल में, जो वैदिक शिक्षा थी वो गुरुकुल में दी जाती थी, और यहाँ पे शिक्षा किस में दी जाती थी? मठों में और विहार में, या तो हम उन्हें मठ बोलते थे या हम विहार बोलते थे, तो ये दोनों में डिफरेंस था। तो प्राचीन काल में गुरुकुल में शिक्षा मिलती थी और बौद्धिक काल में वट और विहार में। वहाँ पे धर्म प्रधान शिक्षा थी और वहाँ पे उनको मोक्ष प्राप्त करना मेन उद्देश्य था, और यहाँ पे शिक्षा का मेन उद्देश्य था मनुष्य के दुखों को दूर करना, शिक्षा रूपी उजागर थी। तो दोनों के उद्देश्य में और दोनों की शिक्षा देने के तरीके में बहुत डिफरेंट था, और ये हमेशा सत्य और अहिंसा और प्रेम का ही पाठ इस शिक्षा ने सिखाया। तो आपको मीनिंग क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताऊँगी कि जो बौद्धकालीन शिक्षा थी उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो अब हम एक एक करके उनकी सारी विशेषताएं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है प्रबज्ञ संस्कार। तो प्रबज्ञ संस्कार में क्या होता था, देखिए वैदिक कालीन शिक्षा में जो सबसे पहली विशेषता थी वो थी उपनयन संस्कार। उपनयन का मतलब था कि छात्र को गुरु के पास ले जाना, उपनयन का मतलब था पास ले जाना। तो जब छात्र को गुरुकुल के पास, गुरुकुल ले जाते थे और गुरु उनको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते थे, उसे बोलते थे उपनयन संस्कार। लेकिन प्रबज्ञ संस्कार का मतलब होता है बाहर जाना, उल्टा है बिल्कुल, इसका मतलब है बाहर जाना। जब बच्चा 8 साल का हो जाता था तो वो हमेशा के लिए अपने घर को छोड़ के मठ में चला जाता था, उसको बोला है प्रबज्ञ संस्कार। तो 8 साल का होने के बाद जब बच्चा हमेशा के लिए मठ में प्रवेश करता है, अपने जो भिक्षुक हैं उनसे शिक्षा लेता है, शुरुआत करता है, उसे बोलते हैं प्रबज्ञ संस्कार। इस संस्कार में बच्चा जो था अपने सिर को बिल्कुल मुंडवा लेते थे बच्चे, और पीले वस्त्र धारण करके
बिल्कुल नतमस्तक होकर गुरु के सामने नमस्ते करते थे और उनसे अपने को शिष्य स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करते थे। गुरु उनको शिष्य स्वीकार कर लेते थे, लेकिन इससे पहले उनको 3 बार इस मंत्र का उच्चारण करना पड़ता था। वो 3 मंत्र कौन से थे? बुद्धम शरणम गच्छामि, दूसरा क्या था? धम्मम शरणम गच्छामि, और तीसरा क्या था? संघम चरणम गच्छामि। तो इस तरीके से इन 3 मंत्रों का उनको जो है उच्चारण करना पड़ता था। इसके बाद शिष्य को श्रमण कहा जाता था। क्या कहा जाता था उनको? श्रमण। तो 3 मंत्रों का उच्चारण करने के बाद उनको श्रमण कहा जाता था, और जहाँ वो शिक्षा लेते थे उसे मठ और विहार कहते थे। वहाँ पे वो ब्रह्मचर्य का जीवन जीते थे, और ना वो कोई मादक पदार्थ ले सकते थे, और नृत्य और संगीत उनके लिए वर्जित होते थे। इस तरीके से वो वहाँ पे अपनी शिक्षा देते थे। तो इसे बोलते थे प्रबज्ञ संस्कार। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से प्रबज्ञ संस्कार समझ में आ गया होगा, जिसका मतलब है बाहर ले जाना। और 8 वर्ष के बाद जब वो शिक्षा लेने के लिए मठ में जाते थे तो इस संस्कार को बोलते थे प्रबज्ञ संस्कार। अब दूसरा था उपसंपदा संस्कार। देखिए, उपसंपदा संस्कार में क्या है, जब बच्चा 12 साल वहाँ पे रह के अपनी शिक्षा को पूरी कर लेता था, तो जब वो शिक्षा गुरु का जो शिक्षक थे उनका जब वो शिष्य बनता था, तो उस वक्त उन्हें क्या बोला जाता था? श्रमण बोला जाता था। अब 20 वर्ष के में, पहले 8 वर्ष में तो उन्होंने मठ में गए शिक्षा लेने के लिए, उस वक्त उन्हें श्रमण कहा गया। जब 12 साल उन्होंने वहाँ पे शिक्षा ले ली, तब तो वो कितने साल के हो गए? 20 साल के। तो 20 साल के बाद अब उनको भिक्षु कहा जाता था। तो जब वो भिक्षु बनते थे, उस वक्त जो संस्कार होता था उसी संस्कार को उपसंपदा संस्कार माना जाता था। ये कम से कम 10 भिक्षुओं के सामने एक उत्सव की तरह जो है किया जाता था। अब श्रवण से हटकर वो भिक्षु कहलाने रहते थे, और जब वो भिक्षु बन जाते थे फिर वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते थे। अब उन्हें पूरी उम्र मठ में ही रहना पड़ता था, और बौद्ध धर्म का जो है प्रचार प्रसार करना पड़ता था, और उन्हें साथ साथ 4 नियम भी मानने पड़ते थे। वो कौन से 4 नियम थे? उन्हें वृक्षों के नीचे रह कर ही अपना जीवन यापन करना पड़ता था। वो भिक्षा मांगकर ही अपने खाने की जो है पूर्ति करते थे, और वो मांगे हुए वस्त्र को ही पहनते थे। अगर वो कभी रोगी हो जाते थे तो औषधि के रूप में सिर्फ वो गोमूत्र ही ले सकते थे। तो इन 4 नियमों का पालन हर भिक्षु को करना पड़ता था, और तभी वो भिक्षु रह सकते थे, और वो ब्रह्मचार्य का जीवन जीते थे। वो कभी गृहस्थ जीवन में फिर प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो इस संस्कार को कहा जाता है उपसंपदा संस्कार। तो अब आपको प्रबज्ञ संस्कार भी पता चल गया होगा, ये 8 वर्ष की आयु में शुरू होता था, और उपसंपदा संस्कार जो है 20 वर्ष की आयु में उनका शुरू होता था। अब नेक्स्ट है इनका शिक्षा का माध्यम। देखिए, शिक्षा का माध्यम यहाँ पे लोक भाषाएं थी। जिस मनुष्य को जो भी भाषा आती थी वो उसकी लोक भाषा कहलाती थी, तो शिक्षा भी लोक भाषा में ही दी जाती थी। जबकि वैदिक कालीन शिक्षा का एक प्रमुख दोष क्या था कि वहाँ पे सारी शिक्षा संस्कृत में दी जाती थी, क्योंकि वे सारे संस्कृत में लिखे थे। तो संस्कृत बहुत ही गूढ़ भाषा थी, बहुत ही महान भाषा थी, लेकिन ये लोगों को बहुत अच्छे से समझ नहीं आती थी, तो लोग बाग उसको समझ नहीं पाते थे। इसलिए उन वहाँ पे जो आम जनता थी वहाँ पे शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ। लेकिन महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षा का प्रसार लोक भाषा में किया, जिससे शिक्षा का ज़्यादा लोगों में जो है प्रसार हुआ। एक बार महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने पूछा भी था कि आप संस्कृत भाषा में उपदेश क्यों नहीं देते, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको शिक्षा का प्रचार करना है तो आपको मेरी शिक्षा जो है जिसको लोग समझ सके, जो उनकी लोक भाषा है उसी भाषा में आपको शिक्षा का प्रसार करना पड़ेगा। तो इस तरह से वहाँ पर शिक्षा का माध्यम क्या थी? लोक भाषाएँ थी। अब थर्ड होता है गुरु शिष्य संबंध। बौद्ध काल में गुरु शिष्य का संबंध बहुत ही मधुर होता था। गुरु बड़े ही स्नेहिल होते थे। अपने स्नेहिल व्यवहार से वो अपने शिक्षकों पर बहुत ही अमिट छाप छोड़ जाते थे। गुरु जो थे शिष्यों का आदर्श होते थे।
और शिष्य भी बहुत ही आदर परक होते थे। वो गुरु के उठने से पहले उठ जाते थे, उनके सोने के बाद ही वो सोते थे। वो सुबह सुबह गुरु के लिए जो है जल मिट्टी और दातुन लाते थे, उनके लिए खाना बनाते थे, उनका जो है वस्त्रों को धोते थे, उनकी सारी अच्छे से आदर करते थे। और गुरु की बात मानना उनका बहुत बड़ा धर्म होता था। इस तरीके से गुरु और शिष्य के बीच में बहुत ही मधुर संबंध होता था। शिष्य हमेशा अपने गुरु को जो है पिता के समान ही मानते थे, और गुरु भी अपने शिष्य को बिल्कुल बेटे के समान मान के उनसे मधुर व्यवहार करते थे। तो उस समय गुरु और शिष्य का संबंध बहुत ही मधुर और बहुत ही अच्छा होता था। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम। देखिए वहाँ पे जो पाठ्यक्रम था दो तरीके का होता था। ये जो बौद्ध शिक्षा थी वो भी मानते थे कि शिक्षा का मेन उद्देश्य है मनुष्य के दुखों को दूर करके निर्वाण प्राप्त करना। तो उसमें दर्शन शास्त्र और उन्हें धार्मिक साहित्य की शिक्षा दी जाती थी, तो ये तो कहलाती थी उनकी अध्यात्मिक शिक्षा। लेकिन इसके साथ साथ शिष्यों को जो है भौतिक शिक्षा, सांसारिक शिक्षा भी सिखाई जाती थी। उसमें उनको जो है विभिन्न तरह के पशुपालन, वाणिज्य, कृषि पालन, भवन निर्माण इन सब की दी जाती थी, ताकि वो अपने समाज का आर्थिक और सामाजिक विकास कर सके। तो एक तरफ तो आध्यात्मिक विकास भी किया जाता था और दूसरी तरफ बच्चे का जो है सांसारिक विकास भी किया जाता था। क्योंकि भिक्षु के रूप में हो तो आध्यात्मिक नॉलेज लेके आपको बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना होता था, लेकिन अगर आप गृह जीवन में प्रवेश करते हो तो फिर आपको अपनी समाज, अपने परिवार, अपने देश की उन्नति के लिए भी काम करना होता था। तो उस तरह के पाठ्यक्रम में दोनों तरह की शिक्षा थी, भौतिक और सांसारिक शिक्षा भी थी और आध्यात्मिक शिक्षा भी थी। अब नेक्स्ट है आपका स्त्री शिक्षा। देखिए जो वैदिक काल में था उसमें स्त्री शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। स्त्रियों को घर की चार दीवारी में ही रह के घर का काम सीखना पड़ता था। लेकिन बौद्ध काल में महात्मा बुद्ध ने कहा कि स्त्रियों को भी शिक्षा का पूर्ण अधिकार है और उनके लिए अलग से मठ बनाए जाते थे। वो आयुर्वेद और डिफरेंट साहित्य की जो है शिक्षा लेती थी, और संघमित्रा ने तो वो शिक्षा लेके जो है जगह जगह जाके उसका जो है प्रचार प्रसार भी किया। हाँ बाद में ये शिक्षा थोड़ी सी जो है कम होती गई थी स्त्रियों की, लेकिन वैसे महात्मा बुद्ध ने स्त्री शिक्षा को जो है महत्व दिया। हमारी आखिरी विशेषता आती है व्यावसायिक शिक्षा। बौद्ध शिक्षा की एक विशेषता ये भी है कि उन्होंने जो है अपने शिष्यों को व्यावसायिक विशेषता भी दी। उन्होंने उनको कृषि पालन करना सिखाया, पशुपालन सिखाया, उन्होंने उनको मत्स्य पालन सिखाया, उन्होंने भवन निर्माण की भी उनको शिक्षा दी, उन्होंने चित्र निर्माण और मूर्ति कला भी सिखाई, उन्होंने उनको जो है आयुर्वेद की भी शिक्षा दी और पशु चिकित्सा की भी शिक्षा दी। जो धन्वंतरी और चरक बहुत बड़े आयुर्वेद के ज्ञाता थे वो इसी समाज की देन थे, और शाली होम को जो है पशु चिकित्सा का जो है जन्मदाता माना जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने हस्तशिल्प भी सिखाया, जिससे कि जैसे कपड़ा बुनना, कपड़ा काटना, तो उन्हें हर तरीके की व्यावसायिक शिक्षा दी गई कि अगर वो सांसारिक धर्म में आते हैं तो किस तरह से अपने देश का आर्थिक विकास कर सकते हैं। तो ये थी बौद्धकालीन धर्म की विशेषता है। उसमें प्रपज्य संस्कार आता है, आपका उपनयन संस्कार आता है, बाल शिक्षा का माध्यम कौन सा था, पाठ्यक्रम में दोनों शिक्षा ली गई, भौतिक शिक्षा भी और आध्यात्मिक शिक्षा भी। यहाँ पे स्त्री शिक्षा को भी बहुत महत्व दिया गया और उनके लिए अलग से मठों की स्थापना की गई और उनको चतुर बौद्ध शिक्षा का प्रचारक बनाया जाता था। और धार्मिक के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए उनको व्यावसायिक शिक्षा भी दी गई। धन्वंतरी और चरक इसी समाज की देन थे और शाली होम को पशु चिकित्सा का जो है जन्मदाता माना जाता है। तो ये थे हमारे बौद्ध धर्म किसे कहते हैं और बौद्ध धर्म की विशेषताएं क्या होती हैं। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ अपने सब फ्रेंड को भी शेयर करिएगा, क्योंकि शिक्षा का मेन उद्देश्य है कि शिक्षा जो है हर किसी पर पहुँचनी चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अब वो लगा दो इसके आदर्श।